अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। लीफ बनाने के लिए हम एक ओवल की शेप लेंगे, ठीक है, और एक ओवल हम बना लेते हैं। मैं इसे जूम कर रहा हूँ, अपीयरेंस का टैब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ऑयल बनाने के बाद हम यहाँ पेन टूल की टूल्स में आएंगे और यहाँ है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। शिफ्ट प्लस सी मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो मेरे पास टूल सेलेक्ट हो गया यहाँ से एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। अब मैं यहाँ सिंपली मैंने एक क्लिक किया, ठीक है। एक क्लिक करने के बाद ये शेप हमारे पास, जो कर्व होता है एंकर पॉइंट का टूल का मकसद ये होता है, अगर आपके पास कर्व है तो वो राउंड हो जाएगा, अगर राउंड है तो वो कर्व में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल शार्प हो जाएगा। सो हम इसे सेलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन छोड़ेंगे, पहले डी सेलेक्ट करेंगे और फिर अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। सो हम इसे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, उसके बाद इस पॉइंट को हम क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। हम अब इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर लेंगे, इसमें कर्व बिल्कुल नॉर्मली एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट सी दोबारा एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम, इसका भी जो कर्व है वो हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब अगेन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसमें लीफ की शेप कुछ आ सके, ठीक है। ये आगे हमारे पास कुछ लीफ, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम अब इसके दो पोर्शंस बनाएंगे, दो पोर्शंस किस तरह, वो यूँ हम पेन टूल लेंगे और यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे इस कॉर्नर के पास और एक यहाँ पे ऐड करेंगे, बल्कि ये जो हमारे पास शेप आ रही है इसको थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ मूव करना होगा, ठीक है। ये अब कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। सो अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भी सेलेक्ट करके दोनों के बीच इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रोक हम ऑन कर देते हैं और फिल इसका ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके कर्व को हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ से भी। आपको शॉर्टकट्स देखने हो तो नीचे बॉटम पे आपके पास शॉर्टकट्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, और मैं इसे शिफ्ट के साथ अप ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे पाथ फाइंडर में, ठीक है। ये है हमारे पास पाथ फाइंडर और यहाँ हमारे पास है डिवाइड, हम डिवाइड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डिवाइड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अभी हमारे पास जो आउटलाइन थी वो ख़त्म हो गई और इसे हम अनग्रुप करेंगे। सो अभी हमारे पास दो पोर्शन में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। सो अब हम इसमें कलर फिल करेंगे लीफ का कोई भी। मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर है इस पर ग्रेडियंट यहाँ से कोई अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, कि इसमें ज़्यादा हो रहे हैं तो हम सेलेक्ट करके यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और मुझे यहाँ ग्रीन कलर चाहिए लीफ का, सो हम यहाँ से ग्रीन ट्रैक करके इस पर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ हमारे पास वाइट शो हो रहा है, इसमें भी हम ग्रीन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो अब ये देखिएगा लीफ का कुछ कलर हमारे पास यहाँ शो हो गया है। सो हम सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे, अगर आप चाहें दोबारा से इसमें कलर ऐड कर दें या सिंपली आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सो अब यहाँ क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे वही सेम कलर इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं इसे 90 डिग्री पर, हाँ, ताकि हमारे पास लीव की थोड़ी सी, या मैनुअली टाइप कर लेते हैं 96 डिग्री, हाँ ये वाला कुछ बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो लाइन बनाई थी इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करेंगे और दोबारा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। नीचे वाले जो दोनों कलर्स हैं हमारे पास उसे हम राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे और देन उसके बाद हम इसे कंट्रोल टू प्रेस करके लॉक कर देंगे। अब ये हमारे पास जो ग्राउंड वाली लेयर थी वो लॉक हो चुकी है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी हम एक और कॉपी बनाएंगे, ठीक है।
ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। मैंने इसकी कॉपी बना ली और इस एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और आउटलाइन मोड पे जाना चाह रहा हूँ, सो कंट्रोल वाई हम प्रेस करेंगे, हमारे पास आउटलाइन मोड आ जाएगा, ठीक है। मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और पी प्रेस करके पेन टूल पे यहाँ एक एंकर पॉइंट इस लाइन में ऐड किया मैंने, ठीक है। एंड देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया और सिंपली डिलीट कर दिया। तो अब देखिएगा ये हमारे पास लाइन छोटी हो गई है, ठीक है। अब इस ये जो हमारे पास पॉइंट है इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल वाई पेन टूल और ऐड करेंगे एंकर पॉइंट, देन सेलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट और एंड डिलीट प्रेस कर देंगे, ठीक है। सो ये आउटलाइन मोड हमारा ऑन भी कंट्रोल वाई से होगा और ऑफ भी कंट्रोल वाई से होगा, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट को एक साथ कर देंगे। सो अब देखिएगा यहाँ पे लाइन थोड़ी सी मर्ज हो रही है, सो हम इस हैंडल की मदद से इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा दोनों एंकर पॉइंट को हमें एक साथ करना होगा, ठीक है। एंकर पॉइंट्स को ज्वाइंट करने के लिए मैं बता चुका हूँ हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। सो अब ये यहाँ से ज्वाइंट हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसका जो कैप है, राउंड कैप है, वो हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक से। स्ट्रोक में आएंगे तो कॉर्नर्स जो है उसको हम यहाँ से राउंड कर देंगे। सो अब देखिए ये अब ये यहाँ से राउंड हो चुका है, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि हमें इसमें कलर फिल करना है। सो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे एंड ज्वाइन, ठीक है। ये दोनों भी हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ और इसे ऊपर ले जाएंगे ऊपर वाले एरो की मदद से, ठीक है। अब हम इसमें ये कलर अप्लाई करेंगे। सो सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन ली और आई ड्रॉपर टूल में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सो अब ये कलर हमारे पास इस शेप में भी अप्लाई हो चुका है। हम यहाँ से आएंगे ग्रेडियंट में और यहाँ से हम इसकी जो टाइप है वो चेंज कर देंगे। यहाँ हमारे पास है लीनियर, सो हम करेंगे रेडियल। रेडियल पर जैसे ही क्लिक किया सो अब देखें ये हमारे पास ये इस तरीके से लीफ शो हो रही है, ठीक है। लीफ शो होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लाइंस ऐड करेंगे, ठीक है। लाइंस कैसे ऐड करेंगे, पेन टूल लेंगे और इसको भी हम सेलेक्ट करके पहले लॉक कर लेते हैं, कंट्रोल टू, ठीक है। अब हम पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेने के बाद हम यहाँ से इसमें कुछ जो क्रैक्स होती हैं, जो लाइंस होती है लीव्स की, वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिएगा इसमें फिल ऑन आ रहा है, हमें फिल नहीं चाहिए, हम फिल ऑफ कर देते हैं और हम यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑन कर देते हैं, वन पॉइंट एंड कलर वाइट, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम इसकी पोजीशन साथ के साथ चेंज करते रहेंगे, ठीक है। आप जिस हिसाब से चाहें इसकी पोजीशन लीफ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम इसकी कॉपीज लेते रहेंगे और इसे छोटा बड़ा करते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये मुकम्मल एक लीफ शेप में आ सकें, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ भी लाइंस ऐड करेंगे। हमने ऊपर भी चार लाइंस ऐड की है, सो हम नीचे भी उसके अकॉर्डिंग चार लाइंस ऐड करेंगे। मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, सो आप चाहें तो आप सिंपली जब पेन टूल से लाइन कोई भी ड्रॉ कर लें तो ड्रॉ करने के बाद आप उसकी सिलेक्शन ख़त्म करेंगे सिलेक्शन टूल से और फिर दोबारा से पेन टूल सेलेक्ट करके दूसरी सिलेक्शन आप बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी सिलेक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ, सो मैं अब इसकी थोड़ी प्लेसमेंट ठीक कर दूँ। ठीक है, प्लेसमेंट ठीक करने के बाद हमें इसमें मज़ीद कुछ क्रैक्स यहाँ ऐड करने हैं, सो हम यहाँ इसमें कुछ मज़ीद कुछ भी इस तरह के क्रैक्स ऐड कर देते हैं। अक्सर लीफ में आपने देखा होगा छोटी छोटी जो लाइंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है।
सो हम इसमें भी वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये सब मैंने इसमें ऐड कर लिए, हमारे पास सब कुछ लॉक है, जस्ट हमारे पास ये जो हमने लीज में लाइंस ऐड की ये हमारे पास अनलॉक है। सो हम इसे राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप कर देंगे ताकि सब एक साथ सेलेक्ट हो जाए, अब इनसे आसानी से मूव कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पे स्ट्रोक्स में, यूनिफॉर्म हमारे पास है जो है हम इसको चेंज करेंगे, हम लेंगे बिट प्रोफाइल 4, ठीक है। सो इसकी जो एक कॉर्नर्स है मतलब जो इसका टॉप होगा वो एक साइड से शार्प हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपको कुछ लिप्स की शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है, बल्कि हम इसे अंडू कर रहे हैं और इसे अनग्रुप करेंगे। पहले हम ये जो हमारे पास बड़े जितने भी लीव्स हैं मतलब बड़ी लाइंस जो है शिफ्ट के साथ हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट कर लिए और अब हम ग्रुप कर रहे हैं। जो हमारे पास बड़ी लाइंस थी वो सारी सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब हम छोटी वाली को सेलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और राइट क्लिक करके हम इसको भी ग्रुप कर देंगे। बड़ी वाली लाइंस को हम सेलेक्ट करके यहाँ से यूनिफॉर्म को विड्थ प्रोफाइल 4 पे चेंज कर देंगे, ठीक है। सो अब देखिएगा इसकी जो लाइंस है वो आपको यहाँ शो हो रही है, और जो हमारे पास छोटी लाइंस है इसमें हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो यूनिफॉर्म है इसका हम चेंज करेंगे ये विड्थ प्रोफाइल 1 पे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। हम इसके जो स्ट्रोक है इसको कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रोक ज़्यादा है और इसका स्ट्रोक हम कम कर देंगे। अब हम सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एक ग्रुप कर देंगे और इसे सेलेक्ट करके हम आएंगे ट्रांसपेरेंसी, ग्रेडियंट के बराबर में ही होगा ट्रांसपेरेंसी, फिर यहाँ शो नहीं हो रहा आपके पास, सो विंडोज़ में आएंगे और यहाँ आपके पास ट्रांसपेरेंसी मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, इस वजह से यहाँ चेक लगा हुआ, ठीक है। सो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ 50% ओपेसिटीज़ में होगी इसको 50% कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास ये शेप मतलब इसका लाइट शेड हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अनग्रुप कर रहा हूँ सबको, कंट्रोल ऑल्ट और 2, ठीक है, सब कुछ हमारे पास अनग्रुप हो गया। अब हमारे पास जो ये लाइन थी जो हमने बनाई थी कर्व में, इसे मैं हम टॉप पर लेके आएंगे, आप चाहें तो शॉर्टकट से ला सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, और देन अगर आप माउस से करना चाहें सो राइट क्लिक कीजिए, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट,